गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए अगेन हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे लाइक वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जैसे हमने समझाया था कि अगर हमारा कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स और ये जो वेपर्स हैं इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि मोर पार्टिकल्स विल कन्वर्ज इनटू वेपराइज स्टेट और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपराइज स्टेट में होंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हमारी जो लाइन है दैट इज कनेक्टेड विद द बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर और वी कैन से बिकम इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एनी लिक्विड बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो दैट इज सेम लाइक द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे अगर हम वॉटर की बात करें तो वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन में हम लिखेंगे तो हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। और जब भी हम किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम ऐड कर देते हैं 273.15 केल्विन। तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 373.15 केल्विन। तो हमारा जो ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ हमें एक और कंडीशन ध्यान में रखनी है दैट इज प्रेशर। तो हमारा वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर। 1 एटमोस्फियर प्रेशर पे क्या होगा? अगर हम 1 एटमोस्फियर प्रेशर पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉटर को हीट कर रहे हैं तो वॉटर के जो वेपर्स हैं वो जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे दैट बिकम इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। एंड व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट वीडियो में हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जब हम किसी वोलेटाइल सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसको हम समझेंगे, ये फिगर है 1.7। तो इस फिगर में हम दो चीजें देख रहे हैं, किस किस के बीच में प्लॉट है। वाई एक्सिस पे हमारा वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो फिगर 1.7 है इट डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हम देखेंगे, मान लो हम यहाँ पे प्योर जो सॉल्वेंट है वो हम ले रहे हैं वॉटर। तो प्योर सॉल्वेंट हमारा वॉटर है, तो वॉटर का हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम इस टेम्परेचर पे पहुंचे दैट इज टीबी नोट, और टीबी नोट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर मान लो हमारा 373 केल्विन हुआ तो क्या होगा कि वॉटर के जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, और 1 एटमोस्फियर बार में हम लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 1.013 बार। तो ये अगर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये टेम्परेचर हमारा कौन सा हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर हो गया। और अगर इस वॉटर के अंदर हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। और हमने क्या बताया था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट के कंपेरेटिवली कम होगा। तो सेम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर टीबी नोट है इस पे हमारा सोलवेंट का, यहां देखिए सोलवेंट का वेपर प्रेशर हो गया 1 एटमोस्फियर बट सोल्यूशन का हमारा वेपर प्रेशर कम है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर नहीं है। तो जब तक हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर नहीं होगा
तब तक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, जबकि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में हम देख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो यहां तक है। हमने एक शुरू में एक पॉइंट पढ़ा था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इधर देखिए, हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब हम टेम्परेचर टीबी पे पहुंचे, तो जैसे ही टेम्परेचर टीबी पे पहुंचे, हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, 1 एटमोस्फियर, एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सॉल्यूशन कब बनाया, जब हमने इस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से हमने ये सॉल्यूशन बनाया है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो यहां पे ये जो डिफरेंस आएगा, ये तो टीबी हमारा हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टीबी से। तो अब हम इसका समझेंगे मैथमेटिकल वर्जन। तो ये तो हमने देखा कि जैसे वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, तो हमने ये देखा था कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सिमिलर टू द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन रेदर देन देयर नेचर। अब यहां पे हम इसको कंसिडर करते हैं, यहां पे हम अगेन इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां जैसे हमने अभी इस फिगर से देखा था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी नोट है, और जब हमने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जो हमारा सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, टीबी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल टीबी से। टीबी सॉल्यूशन का है, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का है, तो जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टीबी से, और इसी डेल टीबी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, दैट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जैसे हमने बताया था, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टर्म नॉट क्वांटिटेटिव। तो एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम डेल टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डेल टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर हम इसको ये कहें कि मोलल कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। अब मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, हमारी क्या होती है मोलालिटी। तो जो डेल टीबी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के। अब यहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम लिख देंगे केबी। तो हमारा क्या हो गया डेल टीबी, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मोलालिटी है, डेल टीबी है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और केबी हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का और नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यूनिट अगर हम केबी की निकालेंगे, तो टेम्परेचर हमारा जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो भी केल्विन में ही आएगा, मोलालिटी हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो केबी का अगर हम यूनिट निकालेंगे यहां पे, ये देखिए डेल टीबी का हमारा क्या यूनिट रहेगा, केल्विन। ये हमने केबी को एज इट इज रखा क्योंकि केबी का यूनिट हमें निकालना है, और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी।
अब हमें केबी का यूनिट निकालना है, तो केल्विन हमारा इधर है, केजी को मल्टीप्लाई करेंगे और मोल को नीचे लेके जाएंगे, तो हमारा क्या यूनिट आ गया, केल्विन केजी पर मोल। इसको हम फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा केबी का यूनिट केल्विन इंटू ये केजी हमारा इधर आएगा तो केजी, और मोल नीचे जाएगा तो केजी पर मोल, और यही हमने यहाँ पे लिखा है के इंटू केजी पर मोल, केल्विन इंटू केजी पर मोल। और केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये जो हमारी इक्वेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे मोलालिटी की। तो मोलालिटी को समझने के लिए हम देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो लेट्स कंसिडर इफ W 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M 2, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसका हमने W 2 ग्राम लिया है, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास है M 2, इट इज डिजॉल्व्ड इन W 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने कितना लिया है W 1, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास W 1 ग्राम सॉल्वेंट है, W 1 ग्राम सॉल्वेंट है, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो W 2 अपॉन M 2, ये हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसको हमें निकालना है कि 1000 ग्राम है, क्योंकि हमारी मोलालिटी बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो जाएगा W 2 अपॉन M 2, ये तो था हमारा W 1 में, एक में हो जाएगा अपॉन W 1, और 1000 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो हमारी टर्म आ गई W 2 अपॉन M 2, और ये हो गई हमारी W 1 अपॉन 1000, ये सेम टर्म है, या फिर ये यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W 2 अपॉन M 2 इंटू 1000 अपॉन W 1। सो ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये किसके लिए निकाली है, मोलालिटी के लिए, दिस इज W 2 अपॉन M 2 इंटू 1000 अपॉन W 1, दिस इज द मोलालिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये मोलालिटी, एम हमारा मोलालिटी था, इस मोलालिटी की जगह हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो W 2 अपॉन M 2 इंटू 1000 अपॉन W 1, या फिर अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से अगर हमें मोलर मास निकालना हो, मोलर मास M2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम M2 को इधर ले जाएंगे तो डेल टी बी को नीचे ले आएंगे इस साइड, तो हमारी M2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डेल टी बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन W1। तो यहाँ पे हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, मान लो आपको एक सोल्यूट का गिवन मास दिया है, और सोल्यूट का गिवन मास मान लो W2 आपको गिवन है, इट इज डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। कहने का मतलब क्या है कि आपको W1 पता है, W2 पता है, लेकिन उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या है वो आपको नहीं पता है। डेल टी भी आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और के भी वैल्यू उस सॉल्यूशन के लिए नोन है। तो क्या हो गया कि इस वाली इक्वेशन में इफ यू नो दीज फोर टर्म्स के बी W2 W1 डेल टी भी, देन वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो ये हमने समझा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जिस भी सोल्यूट को हम डिजोल्व कर रहे हैं उस सोल्यूट का हम मोलर मास निकाल सकते हैं, या फिर हमने ये किया कि मान लो हमें बाकी सारी टर्म्स गिवन है, इफ यू नो W1, W2, M2, KV, देन वी कैन फाइंड आउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल टी बी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।